हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शुगर केन के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, जिसमें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंसेक्ट पेस्ट जिसका नाम है पायरिला परबुसेला। और भी इंसेक्ट पेस्ट है शुगर केन के, वो भी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग, एंड कौन कौन से टाइप के शुगर केन के ऊपर इंसेक्ट होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं, वो भी लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं शुगर केन के, इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं, अब इंसेक्ट जो है वो हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंसेक्ट हमें हार्म भी कर सकते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो जो इंसेक्ट हार्मफुल होते हैं उनको इंसेक्ट पेस्ट बोला जाता है। एंड ये हार्मफुल इंसेक्ट्स ये डैमेज करते हैं यील्ड को एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप को, क्रॉप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी यानी यील्ड को, दोनों को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और इन्हें इंसेक्ट पेस्ट बोला जाता है। इंसेक्ट पेस्ट जो है फीडिंग के बेसिस पे ये मोनोफेगस हो सकते हैं, ओलिगोफेगस हो सकते हैं, पॉलीफेगस हो सकते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, यानी ये एक सिंगल प्लांट के ऊपर ही ईट करेंगे। जैसे कि इफ इंसेक्ट्स फीड ऑन अ सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट, सिर्फ प्लांट की एक ही स्पीसीज के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, उसके ऊपर ही फीड कर रहे हैं, तो उन इंसेक्ट्स को बोला जाता है मोनोफेगस। एंड ऐसे टाइप के सिर्फ कुछ ही इंसेक्ट होते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है ओलिगोफेगस। ओलिगोफेगस ये होते हैं इफ इंसेक्ट्स फीड ऑन प्लांट्स ऑफ वन फैमिली, अगर इंसेक्ट जो है एक फैमिली, जैसे कि फैमिली होगी सोलेंसी होगी, फैबेसी होगी, तो एक फैमिली के ऊपर, ठीक, उस फैमिली के सारे स्पीसीज के ऊपर अगर वो ईट कर रहे हैं तो उनको बोला जाता है ओलिगोफेगस, जैसे कि कैबेज बटरफ्लाई एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पॉलीफेगस। पॉली मीन्स मैनी, तो इसमें क्या होगा, जो इंसेक्ट्स है फीड ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स। कल्टीवेटेड जो हमने उगाए हैं एंड जो वाइल्ड प्लांट में आप उग गए हैं, तो जो कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स हैं उनके ऊपर लार्ज नंबर के अंदर, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर जो ईट करते हैं इंसेक्ट्स, उनको पॉलीफेगस बोला जाता है। तो मोनोफेगस जो कि एक स्पीसीज के ऊपर, एक सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट के ऊपर ईट करेगा, ओलिगोफेगस जो कि एक फैमिली की जो भी स्पीसीज है उनके ऊपर ईट करेगा, एंड पॉलीफेगस जो कि लार्ज नंबर ऑफ कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स की स्पीसीज के ऊपर ईट करेगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि इंसेक्ट पेस्ट जो है शुगर केन के कौन से होंगे, शुगर केन का साइंटिफिक नेम हो गया सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो इस शुगर केन के ऊपर, ठीक है, शुगर केन के अंदर इंपॉर्टेंट पेस्ट हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ये पायरिला परबुसेला यानी कि लीफ होपर के बारे में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इन इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये हम डिस्कस करेंगे लीफ होपर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। शुगर केन व्हाइट फ्लाई हो गया, शुगर केन टॉप बोरर हो गया, शुगर केन रूट बोरर हो गया, गुड्स पर बोरर हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में जो शुगर केन को हार्म करते हैं, उसकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी को डैमेज करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट इंसेक्ट पायरिला परबुसेला के बारे में। सबसे फर्स्ट आता है इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऐसा टाइप का ही इंसेक्ट होता है। तो इसके अंदर किंगडम एनिमिलिया हो जाएगा, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिपटेरा, इसके बाद फैमिली इसकी फुलगोरिडाए होती है, जीनस इसका पायरिला, स्पीसीज इसकी परबुसेला। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शुगर के लीफ होपर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कहाँ कहाँ ये फैले होते हैं। पायरिला जो है कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू इंडिया, ठीक है, पूरे पूरे इंडिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट कॉज ग्रेट लॉस टू शुगर केन क्रॉप इन यूपी, एमपी एंड महाराष्ट्र। एंड जो इंडिया के स्टेट्स है लाइक यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इनके अंदर ये ग्रेट डैमेज कॉज करता है शुगर केन क्रॉप्स के अंदर। कॉमनली इसको A1 और बोरा इसको बोला जाता है, ऐसा टाइप का ये इंसेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जनरल अपीयरेंस, कैसा ये दिखता है, कैसा नजर आता है। तो ये ऐसा टाइप का हमें नजर आता है। अब इसके अंदर भी अगर हम इसका कलर देखें सबसे पहले, तो कलर इसका होता है स्ट्रो कलर का। जो ग्रासेस होती हैं उनकी जो वो जो सूख जाती है, तो वो स्ट्रो, वो जो कलर होता है उसी कलर का ये पायरिला परबुसेला होता है। तो स्ट्रो कलर्ड लीफ ऊपर होता है।
लीफ के ऊपर ही पाया जाता है। विद द टू पेयर्स ऑफ विंग, इसके विंग्स जो है, दो पेयर ऑफ विंग्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि फोल्डेड होते हैं रूफ शेप ऑन द डोर्सल साइड। अब ये इंसेक्ट है, जैसे कि इंसेक्ट का डोर्सल सरफेस वेंट्रल सरफेस, इस डोर्सल सरफेस के ऊपर जो इसके विंग्स हैं वो ऐसे छत की तरह, ऐसे रूफ की तरह ढके हुए होते हैं। 8 to 10 mm लॉन्ग इंसेक्ट ये होता है, यानी अडल्ट की हम बात कर लें, ठीक है, अडल्ट। इट हैज इंटीरियरली इलोंगेटेड हेड, इसका हेड जो है इंटीरियरली इलोंगेटेड होता है, एंटीरियरली इलोंगेटेड हेड इसका होता है। इसके बाद इसके अंदर आईज होती है, आईज जो होती है इसके अंदर, आईज जो है प्रोमिनेंट रेड आईज होती है, रेड कलर की प्रोमिनेंट आईज होती है। अ पेयर ऑफ व्हाइट स्ट्रांग एनल प्रोसेसेस, इसके अलावा इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पाई जाती है, ये व्हाइटेस्ट ब्राउन एनल प्रोसेसेस यहाँ पे पाई जाती है। एंड ये व्हाइटेस्ट ब्राउन एनल प्रोसेसेस जो होती है कवर्ड विद व्हाइट वैक्स आर प्रेजेंट, व्हाइट वैक्स से कवर्ड होती है। बेसिकली एनल प्रोसेसेस का काम होता है कुछ व्हाइटेस्ट वैक्स सीक्रेट करने का। तो जब भी एग्स लेइंग होती है उसके ऊपर ये व्हाइटेस्ट, ये एक फिलामेंटस यहाँ पे बोल सकते वैक्स टाइप या फिर केमिकल टाइप मटेरियल ये सीक्रेट कर देते हैं उनको सेव करने के लिए। तो ये इसकी जनरल अपीयरेंस होगी कि स्ट्रो कलर का होता है एंड इसके अंदर दो पेयर ऑफ विंग्स के पाए जाते हैं जो कि फोल्डेड होते हैं रूफ शेप के अंदर डोर्सल साइड के ऊपर। हेड इसका एलोंगेटेड होता है, आईज इसके अंदर रेड कलर की प्रोमिनेंट आईज पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर व्हाइट स्ट्रांग एनल प्रोसेसेस पाई जाती हैं जो कि कवर्ड होती है व्हाइट वैक्स, इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके बाद कौन कौन से फूड प्लांट्स हैं, अब हमने देख लिया कि शुगर केन के ऊपर तो ये ईट करता ही है, फीड करता ही है, इसके अलावा तो मेजरली जो है शुगर के ऊपर, शुगर केन के ऊपर फीड करता है, यानी शुगर केन का मेजर पेस्ट है ये। इसके अलावा ये व्हीट, मेज, ओट, बार्ले, बाजरा, शोगम, इनके ऊपर भी अटैक करता है, इनको भी डैमेज करता है। नेक्स्ट आता है इसकी हैबिट्स, क्या क्या इसकी एक्टिविटी है, क्या क्या इसकी आदतें हैं। तो जो अडल्ट है और निम्फ है, निम्फ इसकी लाइफ साइकिल की एक स्टेज आती है जो एग से बनती है। तो अडल्ट एंड निम्फ दोनों के दोनों लीव्स के ऊपर ईट करते हैं, उनकी जो सेल सैप है, लीव्स हो गए, लीव्स के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो विक्योस है उनके अंदर सेल सैप पाई जाती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, एक तरह से लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो ये सेल सैप के ऊपर ईट करते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि अडल्ट एंड निम्फ दोनों के दोनों क्या करते हैं, सेल सैप के ऊपर फीड करते हैं, फिर उसको सक करते हैं। The breeding is performed throughout the year. Breeding इसकी पूरे के पूरे साल चलती है and एक साल के अंदर about 4 generations complete कर लेता है। The egg laying is made later in April, May, October and November के अंदर इसके अंदर egg laying होती है, यानी winters and summers दोनों के अंदर इसके अंदर egg laying होती है। तो ये इसकी habit हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाइफ साइकिल के ऊपर ही पूछा जाता है, या फिर इसे कंट्रोल एंड डैमेज जो हम अपकमिंग डिस्कस करेंगे उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो लाइफ साइकिल है थ्रू आउट द ईयर ये ब्रीड करता है। एग्स सबसे फर्स्ट स्टेज इसके अंदर आती है एग्स की, ये एग्स हो गए इसके, ठीक है, ये एग्स हो गए, ये भी एग्स है। तो एग्स जो होते हैं होपर के, एक फीमेल होपर, ठीक है, इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। और जो मेल फीमेल होपर है, फीमेल होपर क्या करती है, लेज एग्स इन क्लस्टर ऑफ 300 to 500 एग्स ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो लीव्स का जो लोअर सरफेस है, ठीक है, लीव्स का ये लोअर सरफेस के ऊपर ही क्या करती है, क्लस्टर के अंदर, क्लस्टर 300 to 500 का क्लस्टर हो सकता है, इस क्लस्टर के अंदर ये एग ले करती है समर्स के अंदर, ठीक है, समर के अंदर बात हो रही थी लोअर सरफेस के ऊपर, लीव्स के लोअर सरफेस के ऊपर एग्स को ले कर देते हैं। लेकिन जैसे अप्रैल एंड मई सीजन के अंदर होता है ये, लेकिन इनसाइड द लीव सीथ ड्यूरिंग विंटर, लेकिन जो विंटर होती है, विंटर के ड्यूरिंग ये क्या करते हैं, जो लीव सीथ बनाते हैं उस लीव सीथ के अंदर ही अपने एग्स को ले करते हैं, यानी कि अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे एग लेइंग का फर्स्ट पॉइंट, ये जो लोअर सरफेस है समर्स के अंदर, लोअर सरफेस जो है लीव का, शुगर केन के लीव का, उसके ऊपर क्लस्टर के अंदर एग ले करते हैं एंड विंटर्स के अंदर लीफ सीथ बनाते हैं उसके अंदर ये एग्स को ले करते हैं।
एग्स जो होते हैं इसके, ये एग्स एग्स ओवल होते हैं, शाइनिंग होते हैं, पेल व्हाइट और ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, पेल व्हाइट एंड ग्रीन कलर के पाए जाते हैं। These are called by whitest white filamentous material. और ये eggs जो है ये white filamentous material से ढके हुए होते हैं जो secrete होता है by anal processes of the female. Female के अंदर हमने देखा था कि anal processes यहाँ पे पाई जाती है और वो anal processes क्या करती है, वो secrete करती है इस white filamentous material को जो कि eggs को cover करके रखता है, इनको एक shiny appearance देता है, यानी कि एक shine साई नजर आएंगे जहाँ पे भी ये laid होते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है निम्फ की, ठीक है, एग था, एग से अब निम्फ बनेगा, एग से निम्फ बनेगा, एग जो है हेच हो जाते हैं निम्फ के अंदर 7 to 22 days के अंदर, 7 to 22 days के अंदर ये क्या करते हैं, एग से निम्फ के अंदर ये हेच हो जाता है, ये होता है निम्फ, ये हो गया निम्फ। And after egg laying in summers and it may be delayed in winters. ये हम बात कर रहे हैं time period 7 to 22 days, ये होता है summers के अंदर और ये इसे ज्यादा हो सकता है winters के अंदर। Freshly hatched nymph, यानी ये nymph जो है freshly hatched जो हुआ है अभी, ये क्रीम कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा सा क्रीम कलर का होता है, soon turn to pale brown color and जल्दी ही क्या होता है pale brown color का turn हो जाता है, बदल लेता है अपना color and have a pair of characteristic anal filament and इसके अंदर एक pair होता है, pair of characteristic anal filament इसके अंदर पाए जाते हैं। नीम्फ जो है ये भी सेल सैप जो होती है लीव्स की उसको ही सक करते हैं, जैसे हमने देखा था अडल्ट एंड नीम्फ दोनों ही क्या करते हैं, सेल सैप को सक करते हैं। Nymph changed into adult in 6 to 8 weeks. अभी ये जो nymph है ये adults के अंदर convert हो जाएगा, तो ये 6 to 8 weeks का time लेता है, 6 to 8 weeks के अंदर क्या हो जाएगा, ये adult के अंदर convert हो जाएगा summers के अंदर and about 4 months ये winters के अंदर लेता है after undergoing 5 molts. 5 molting stages यहाँ पे आती है। मोल्ड क्या होता है, कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो निम्फ है वो 5 molts के बाद, यानी कि हर एक मोल्ड के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जो उसको अडल्ट के अंदर चेंज कर देंगे, उसको अडल्ट के अंदर कन्वर्जन कर देंगे, तो ये होता है निम्फ के अंदर। निम्फ जो है एग से 7 to 22 days के अंदर समर्स के अंदर एंड इससे ज्यादा दिन लग सकते हैं विंटर्स के अंदर, और ये जो निम्फ है ये सेल सैप जो होती है लीव्स की उसके उसको ही सक करता है। इसके लिए क्रीम कलर का होता है, जल्द ही ये पेल ब्राउन कलर का हो जाता है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एनल फिलामेंट इसके अंदर पाए जाते हैं एंड ये निम्फ 6 to 8 weeks के अंदर आफ्टर 5 molts ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है अडल्ट। सबसे फर्स्ट एग्स थे, एग्स क्या हुए 7 to 22 days इन समर्स ये निम्फ के अंदर कन्वर्ट हो गए और इस निम्फ से ये क्या हो जाएगा, इस निम्फ से ये 6 to 8 weeks के अंदर, 6 to 8 weeks के अंदर ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। अब ये जो है एंड 5 molt stages यहाँ पे आती है। द अडल्ट इज 8 to 10 mm लॉन्ग होता है एंड स्ट्रो कलर का होता है। लाइफ स्पैन ऑफ अ मेल इज 5 to 7, इस मेल की लाइफ साइकिल जो होती है या फिर लाइफ स्पैन 5 to 7 weeks का होता है एंड जो फीमेल का होता है 5 to 8 weeks का होता है। द एंटायर लाइफ साइकिल 40 to 60 days के अंदर कंप्लीट हो जाती है। नॉर्मली 4 generations एक साल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है इसकी, ठीक है, एक साल के अंदर ही क्या करता है 4 generations दे देता है। तो ये हो गया यहाँ पे अडल्ट के बारे में। एग्स थे, एग्स क्या हुए ले किए गए, इसके बाद वो 7 to 22 days के अंदर निम्फ के अंदर कन्वर्ट हो गए। निम्फ से क्या हुआ 6 to 8 weeks आफ्टर 5 molts ये अडल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें कि इसकी लाइफ साइकिल, ये है इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, सबसे पहले एग्स थे, एग्स जो है ये 7 to 22 days इन समर्स एंड मोर देन इससे ज्यादा ही टाइम ले सकते हैं विंटर्स के अंदर एंड ये निम्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। निम्फ में क्या करता है, सेल सैप के ऊपर फीड करता है, फिर सक करता है एंड इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फिलामेंट्स यहाँ पे एनल फिलामेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं एंड फिर ये क्या करता है, ये 6 to 8 weeks के अंदर एंड आफ्टर 5 successfully molts के बाद ये
अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट के अंदर, मेल एंड फीमेल जो भी होगा वहां पे, मेल होगा तो मेल के अंदर हो जाएगा एग्स, फीमेल होंगे तो फीमेल के अंदर हो जाएगा। तो इसमें भी अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये सारे जो भी प्लांट्स हैं उनके ऊपर उनको इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेस्टेड प्लांट होगा, ये आक्रमण कर देंगे पूरे क्रॉप के ऊपर एंड देन फिर से एग्स ले करेंगे। और ये जो है लाइफ साइकिल की स्टेजेस इसके अंदर चलती रहती है, तो ये इसकी लाइफ साइकिल होगी जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल के बाद ये कैसे डैमेज करता है क्रॉप्स को एंड क्या इसके कंट्रोल हो सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो डैमेज की जब भी हम बात करते हैं तो ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को ही इफेक्ट करता है। बोथ द नीम्फ एंड अडल्ट कैन डैमेज बाय सकिंग द सेल सैप ऑफ सकुलेंट लीव्स, दोनों के दोनों सेल सैप जो है लीव्स की उसके ऊपर सक करते हैं, चाहे वो निम्फ हो चाहे वो अडल्ट हो। एज अ रिजल्ट लीव ड्राई एंड टर्न पेल, और इसके रिजल्ट में लीव्स ड्राई हो जाएंगे और फिर वो पेल कलर के टर्न हो जाएंगे। इसके बाद इंसेक्ट जो है स्टिकी स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट फ्लूड भी सिक्रीट करता है जिसको हनी ड्यू बोलते हैं। एक तो इसकी सेल सैप को जो है सक करता है, सेकेंड एक स्वीटी स्टिकी ट्रांसपेरेंट फ्लूड सिक्रीट करता है जिसको हनी ड्यू बोला जाता है। एंड ये हनी ड्यू क्या करता है, अब ये हार्मफुल फंजाई को अट्रैक्ट करता है। हनी ड्यू ने क्या किया, हार्मफुल फंजाई को अट्रैक्ट कर लिया एंड विच फॉर्म अ ब्लैक शूटी लेयर ऑन लीव्स एंड शूट्स, जो कि लीव्स एंड शूट्स के ऊपर, ठीक है, सुगर केन के लीव्स एंड शूट्स के ऊपर एक स्टिकी एक ब्लैक शूटी लेयर फॉर्म कर देते हैं। जो फ्रेशली कल्टिवेट करते हैं शुगर केन को फील्ड से, तो उस टाइम पे उसके ऊपर एक ब्लैक शूटी लेयर लीव्स के ऊपर एंड उसकी उसकी शूट्स के ऊपर देखी भी जाती है। तो एक शूटी लेयर यहाँ पे ब्लैक कलर की बना लेता है। तो किसकी वजह से होता है कि हनी ड्यू सीक्रेट करता है जो कि हार्मफुल फंजाई को अट्रैक्ट करता है जो कि एक लेयर फॉर्म कर देती है। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज रिटार्डेड, अब इसके रिजल्ट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिटार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जितना उसको फोटोसिंथेसिस करके फूड या फिर शुगर स्टोर करने थे वो उतना नहीं कर पाता है एंड इसकी वजह से क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप इज अफेक्टेड। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही अफेक्ट हो जाती है एंड देयर इज अबाउट 35% लॉस ऑफ द यील्ड, और जो इसकी यील्ड है जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा उसमें से 35% तक फील्ड के अंदर लॉस कर सकता है। ठीक है, टोटल अमाउंट का ये क्या कर सकता है 35% तक ये रिड्यूस कर सकता है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को। तो ये डैमेज हो गए, सबसे फर्स्ट तो ये क्या करते हैं सेल सैप को डैमेज करते हैं, तो इसकी वजह से वो ड्राई अप हो जाते हैं लीव्स एंड वो टर्न कर जाते हैं पेल कलर के। सेकंड, ये एक स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट फ्लूड सीक्रेट करते हैं जिसको हनी ड्यू बोला जाता है। ये हनी ड्यू कुछ हार्मफुल फंजाई को अट्रैक्ट करेगा जो ये, और ये फंजाई क्या करेगी लीव्स एंड शूट के ऊपर एक शूटी लेयर बना लेती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है एंड इस वजह से इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, देयर बाय 35% लॉस यहाँ पे यील्ड के अंदर हो जाता है। तो ये डैमेज हो गए। उसके बाद क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको रोका जा सकता है। तो पायरिला पायरिला के अंदर सबसे फर्स्ट ये किया जा सकता है कि इसके एग्स की कलेक्शन की जा सकती है, एग मासेस की कलेक्शन की जा सकती है, उनको डिस्ट्रॉय कर किया जा सकता है बर्निंग के थ्रू, ब्यूरिंग के थ्रू, या फिर उनके ऊपर फिनाइल वाटर को स्प्रे किया जा सकता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कि एग्स को ही डिस्ट्रॉय कर दो। सेकेंड, कि जो रटून क्रॉप्स हैं शुड बी अवॉइडेड। रटून क्रॉप्स क्या होती है, जैसे कि हमने क्या किया शुगर केन को हार्वेस्ट कर लिया, अब वो जो फील्ड था उसको मतलब हमने बिल्कुल एक एरियल पार्ट को उसको जो है हार्वेस्ट किया है और उसका जो और पार्ट है वो बच गया है, अब उसकी वजह से वहां पे वो दोबारा से वही क्रॉप वही उन्हीं जो प्लांट्स थे उनसे ग्रो हो जाती है एंड ऐसी टाइप की क्रॉप्स को रेटून क्रॉप्स बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक क्रॉप जो है वो हमने हार्वेस्ट कर ली और वो इन्फेस्टेड थी, उसके अंदर ऑलरेडी वहां पे पायरिला प्रोपुसिला के इंसेक्ट्स प्रेजेंट थे, अब वो पायरिला प्रोपुसिला इंसेक्ट क्या करेंगे, अब वो दोबारा से जो क्रॉप क्या कर रही है ग्रो कर रही है उसको और ज्यादा हार्म करेंगे। तो इस वजह से रेटून क्रॉप जो होती है वो अवॉइड करनी चाहिए।
द रजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ शुगर केन शुड बी शोन, और जो शुगर केन की रजिस्टेंट वेराइटीज आती है वो उगानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द अदर ग्रैमिनेशियस क्रॉप्स, ग्रैमिनेशियस क्रॉप्स यानी कि दूसरे जो अनाज की फसलें हैं, शुड नॉट बी इन विसिनिटी, वो इसके आसपास नहीं होनी चाहिए, सो दैट दीज प्लांट्स मे नॉट एक्ट एज अ सेकेंडरी होस्ट। अब जैसे फंजाई के अंदर हमने बहुत सारे लाइफ साइकिल डिस्कस की हुई, जिसके अंदर फंजाई के अंदर जैसे कि कुछ जो फंजाई है उनके अंदर दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, वो दो होस्ट के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक विसिनिटी में इसके कोई क्रॉप है जो कि जिसके अंदर एक इंसेक्ट है या फिर पेस्ट है और उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है, जिसका सेकेंडरी होस्ट शुगर केन है, अगर वो विसिनिटी में नहीं होंगी, वो फसलें आसपास नहीं होंगी, तो सेकेंडरी होस्ट उनको नहीं मिलेगा। तो यही यहाँ पे ये कंट्रोल मेजर हो सकता है कि जो भी आसपास दूसरी ग्रैमिनेशियस क्रॉप्स हैं उनको आसपास नहीं उगाना चाहिए। द इन्फेस्टेड क्रॉप शुड बी डस्टेड 5-10% BHC। अब हमने देखा या तो इसके एग्स को किल कर दो, ठीक है, एग्स को डिस्ट्रॉय कर दो, या तो इसके अंदर क्या करें, रेजिस्टेंट वैरायटीज ले लें, या तो इसकी विसिनिटी में ऐसा कोई क्रॉप ना हो जो कि इसको जो जिसके लिए सेकेंडरी होस्ट की तरह एक्ट कर सकता हूँ इंसेक्ट्स के लिए। तो या तो अब अगर ये भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो क्रॉप जो है वो इन्फेस्ट हो गए, तो इन्फेस्टेड क्रॉप को डस्ट करना चाहिए 5-10% BHC डस्ट के साथ, ठीक है, सर टाइप का ये पैकेट्स आते हैं, तो 5-10% BHC डस्ट जो है उसके साथ इसको डस्ट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ टाइप के इंसेक्टिसाइड है। सेकेंड इंसेक्टिसाइड जैसे कि इसको 0.25% एंडोसल्फान, ठीक है, एंडोसल्फान का एग्जांपल होगा सुपरफेन, इसके अलावा 0.025% फर्मिट्रोथियोन और यहाँ पे हो सकता है इसके अलावा 0.25% वेटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसाइड इज इफेक्टिव, ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। या तो इसको 0.01% एड्रिन एट द रेट ऑफ 500 लीटर्स पर एकर कैन कंट्रोल पाइरेला। तो ये कुछ टाइप के इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे कि BHC हो गया, इसके अलावा यहाँ पे एंडोसल्फान हो गया, इसके अलावा यहाँ पे फर्मिट्रोथियोन हो गया, और वेटेबल पाउडर हो गया एग्रोसाइड का, और यहाँ पे एंड्रीन हो गया। तो ये इस टाइप के केमिकल्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जा सकते हैं इन्फेस्टेड क्रॉप के लिए। तो ये कंट्रोल मेजर्स हो गए, या तो इनके एग्स को ही डिस्ट्रॉय कर दें, या तो इनको ऐसी जगह पे उगाएं, या फिर इनके आसपास कोई ऐसी फसलें ना उगाएं जो कि इसको एज ए सेकेंडरी उन फसलों के अंदर जो इंसेक्ट्स है एज इनको सेकेंडरी होस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पायरेला की लाइफ साइकिल क्या क्या डैमेज पोज कर सकता है एंड क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं ये डिस्कस कर लिया है। अब और जो भी हमारे शुगर केन के पेस्ट हैं, जो हमने लिस्ट डिस्कस की थी, 5 पेस्ट से जिसके अंदर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, उनके अंदर भी हमने लाइफ साइकिल डैमेज एंड कंट्रोल डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस इंसेक्ट का कंट्रोल या फिर डैमेज क्या होगा, इस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होगी, इसी टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।